इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। पुणे सड़क हादसे में पुलिस पूरे एक्शन में है। पुलिस आज 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुणे पुलिस ने उस पब के 3 मैनेजर को गिरफ्तार किया है जहां नाबालिग आरोपी ने हादसे से पहले शराब पी थी। पब के मैनेजरों पर नाबालिग को शराब परोसने का आरोप लगा है और इसलिए 3 मैनेजर भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और नाबालिग का पिता भी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। पुणे सड़क हादसे में 3 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हर जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कहां कहां इनका मूवमेंट था, कहां गए हुए थे। और शराब परोसने के मामले में 3 मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सड़क हादसे में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन पर आरोप है कि आपने नाबालिग को शराब परोसा है। पुणे सड़क हादसे में पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। हादसे वाली जगह पहुंचकर पुलिस सबूत जुटाने में लगी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। ये घटना कल्याणी नगर में देर रात के करीब 2:30 बजे घटी। जाने माने बिल्डर के बेटे ने अपनी पोर्श कार से बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार लड़के और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और मृतकों का नाम अनीश अवालिया और अश्विनी है। दोनों पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और दोनों की मौत हो गई है। इसके बाद इसे जमानत में मिल जाती है। महज निबंध लिखने की शर्त पर पूरे देश में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304A जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है क्योंकि एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। पुणे हेटन गन केस में बड़ा खुलासा हो चुका है। हादसे में जो पोर्श कार शामिल थी उस कार में नंबर प्लेट भी नहीं था। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। जब कार बाइक से टकराई तो बाइक पर सवार अश्विन करीब 20 फुट ऊपर उछल गया और उसके साथ उसकी दोस्त भी उस गाड़ी पर सवार थी। जो नाबालिग के पिता है उनको संभाजीनगर से अरेस्ट किया गया है क्योंकि जैसे ही उनके खिलाफ ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत मामला दर्ज किया गया था तो वहीं पे और वो भाग गए थे और संभाजीनगर से पुणे पुलिस ने आज उनको गिरफ्तार किया है। उन्हें पुणे लाया जा रहा है। फिलहाल मैं येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पे हूँ, आपको विजुअल्स दिखाऊंगी। यही वो पोर्शे गाड़ी है जिससे क्राइम हुआ था। यहाँ तक कि आप जहाँ देखें तो एक्सीडेंट के बाद ये जो गाड़ी है वो काफ़ी डैमेज हुई थी। यहाँ तक कि अब विजुअल्स देखते हुए हम ये भी समझ सकते हैं, जब कहा जा रहा था पुलिस के द्वारा बार बार कि ये जो गाड़ी है उसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो नीचे पड़ी बाइक है ये वही बाइक है पल्सर जिससे जिसपे अनीश और अश्विनी जो है सवार थे। जब ये पोर्शे गाड़ी ने अनीश और अश्विनी को हिट किया तो अश्विनी तकरीबन 20 फुट ऊपर उड़ के उस वो गिर गई थी। यहाँ तक कि जो अनीश था वो खुद ये बाइक चला रहा था और वो पास ही खड़ी एक जो दूसरी गाड़ी थी उस पर गिरा जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। उसके अलावा ये जो आप डिजायर स्विफ्ट गाड़ी देख रहे हैं उसको भी जो है मार लगी थी। जहाँ सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो पुणे पुलिस ने जो सीसीटीवी एक्सेस किया है वो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि जो आरोपी है इस मामले में नाबालिग वो तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पर वो गाड़ी चला रहा था जिससे जो पल्सर गाड़ी है पल्सर बाइक है उसको उसे टक्कर मारी। उसके बाद ये जो स्विफ्ट गाड़ी है उसको टक्कर मारी जिसके बाद जो डिवाइडर था रास्ते पर उससे ये खुद जो पोर्शे गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने निबंध लिखने की सजा सुनाकर जमानत दे दी। नाबालिग पर एक लक्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने का आरोप है। इस हादसे में उन दोनों ही लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन आरोपी नाबालिग को निबंध लिखने की सजा सुनाकर कोर्ट ने महज 15 घंटे में जमानत दे दी। रूह को कपा देने वाला हादसा। सवाल उठाने वाली सजा। कत्ल वाला अपराध, निबंध वाली सजा।
सोचिए हत्या जैसे अपराध की सजा क्या हो सकती है। सोचिए 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती कोई कार किसी को कुचल दे तो सजा क्या होनी चाहिए। पुणे में हुए इस भयानक हादसे ने ऐसे ही सवालों को लेकर नई बहस छेड़ दी, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की को कुचलने वाले अपराधी को महज 300 शब्दों का निबंध लिखवाने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। इसके अलावा 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का भी आदेश दिया गया और इन्हीं शर्तों के साथ सड़क हादसे में दो लोगों की जान लेने वाले आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे के अंदर बेल पर छोड़ दिया। अक्यूज है उसके पिता है, वो एक जाने माने बिल्डर है पुणे के, काफी लोगों से जान पहचान है उनकी। जो अक्यूज है इस केस में यानी कि जो नाबालिग लड़का है उसको एक, क्योंकि वो नाबालिग है उस बेसिस पे उसको बेल दी गई थी। जबकि पुणे पुलिस ने इस वारदात को जघन्य अपराध बताया और कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में आरोपी लड़के को बालिग माना जाए। हमने आज हायर कोर्ट में अपील करने की की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। अश्विनी और अनीस अवधिया दोनों की उम्र 24 साल थी, लेकिन नशे में धुत नाबालिग रईस जादे ने दोनों को अपनी लग्जरी कार से कुचल दिया। जानते हैं उस वक्त कार की स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में फिलहाल इतनी रफ्तार से पटरियों पर ट्रेन भी नहीं दौड़ती, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में कार को सड़क पर दौड़ाया जा रहा था। बुलेट की रफ्तार से भागती इस कार ने मोटरसाइकिल पर सवार अश्विनी और अनीस को कुचल दिया। दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे और जबलपुर के रहने वाले थे। दावा किया जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले आरोपी ने दोस्तों के साथ बैठकर एक पब में शराब पी थी और अपने दोस्तों को कहा था कि दिखाते हैं कि उसकी गाड़ी सड़क पर कितनी रफ्तार बढ़ सकती है, और इसी रफ्तार ने दो लोगों की जिंदगी छीन। दावा किया जा रहा है कि जिस लग्जरी गाड़ी से ये हादसा हुआ उसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने लड़के के पिता और पब मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल तो यही है कि रसूख के आगे किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं।